हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं आफ्ताब स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारा गाज़ियाबाद पर। दोस्तों आज ईद का दूसरा दिन है और आज हम इस छुट्टी के दिन पर बाहर आए हैं और एक खूबसूरत ब्लॉग के लिए हम यमुना नदी की तरफ आए हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं यमुना नदी के शानदार नज़ारे और यहाँ पर क्या कुछ है ये भी देखेंगे। आपको दिखा दूँ मैं कि ये इधर लोहे का पुल है, ये नया पुल बन रहा है, गवर्नमेंट बना रही है, ठीक उसके पीछे अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुराना पुल है। तो काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है यहाँ का। आइए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं खूबसूरत नज़ारे को। चुका हूँ बिल्कुल यमुना नदी के करीब। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे तो लोहे के पुल के नीचे आपको यमुना नदी दिखाई दे रही होगी। ये भारत की प्रमुख नदी है दोस्तों और ये वही यमुना नदी है जिसके किनारे कभी कृष्ण खेला करते थे। हालांकि वो जगह मथुरा में है लेकिन नदी वही है। यमुना नदी काफ़ी गंदी हो चुकी है और गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये नदी साफ हो सकती है, क्योंकि ये नदी काफ़ी ऐतिहासिक और पौराणिक नदी है, लेकिन कोई खास ध्यान इस पर कोई दे नहीं रहा है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं ये नदी कैसी है और यहाँ के आसपास का इलाका कैसा है। दोस्तों धूप काफी है और उमस भी है, लेकिन देखते हैं, आइए आगे चलते हैं। पुल के नीचे आप देखेंगे तो ये लोहे का पुल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आपको बताऊं कि काफ़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर और अभी जो बाहर काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी उमस थी, यहाँ आने पर काफ़ी खूबसूरत मौसम है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। हालांकि ये नदी काफ़ी गंदी हो चुकी है, जैसा कि भारत की और नदियों का हाल है वही हाल इस नदी का भी है। मतलब गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती है और बहुत ज़्यादा गंदगी है। इन नदियों को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है भारत के लिए, आने वाले भविष्य के लिए इन नदियों को संरक्षित करना। तो दोस्तों मेरे साथ जफर हैं और आइए जफर से बात करते हैं और जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। जफर कहाँ आए हैं आप? यमुना नदी आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा तो आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे? आप मछली पकड़ेंगे? अच्छा ये मछली पकड़ेंगे, जिनको मछली पकड़ने देते हैं। Thank you.
किनारे जो है काफ़ी ज़्यादा रेत है, वाइट कलर की रेत आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ आपको ये हरी हरी घास दिखाई दे रही होंगी, और साथ में यहाँ पर सब्जियाँ भी काफ़ी लोगों ने उगा रखी है, काफ़ी एरिया में यहाँ पे खेती की गई है, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। आइए आगे देखते हैं यहाँ के खूबसूरत और नज़ारे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि ये इलाका काफ़ी खूबसूरत है, और दूर तक यहाँ पर हरा हरा खूबसूरत मौसम आपको दिखाई देगा। हालांकि धूप काफ़ी है, लेकिन एक चीज़ खास दिखाना चाहूँगा आपको मैं कि पूरे इलाके में आपको इस तरह की तोरी आपको देखने को मिल जाएगी, और खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत समय है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। और जफर ने कुछ लिया है, आइए जफर दिखाइए क्या लिया आपने, इसको डाल दीजिए एक बार। हाँ, अब दिखाइए क्या लिया आपने। हाँ, तो जफर ने एक बड़ी सी तोरी वाला ये सफर है, क्योंकि नीचे पूरी तरीके से आप देखेंगे तो रेत आपको दिखाई देगी, और ये रेत में चलना बड़ा मुश्किल काम होता है, और बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, आइए आगे चलते हैं, नदी के करीब और पहुंचते हैं और देखते हैं यमुना की स्थिति क्या है, और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आइए चलते हैं। आ गया हूँ, और इधर एक बार देख लीजिए आप लोग ये खूबसूरत नज़ारा, यमुना नदी, हमारी यमुना नदी, भारत की प्रमुख यमुना नदी देख सकते हैं आप लोग। और इधर हमारे जफर साहब हैं, देखिए जफर लगे हुए हैं अपने काम में, आइए इनसे बात करते हैं। जी जफर, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, तो ये बिल गेट्स वाला शो काफ़ी देखते हैं, और उसी से प्रेरित होकर के देखिए ये एक लकड़ी पा गए हैं, और वहाँ पर ये एक जड़ है, इससे ये फिशिंग करेंगे, देख लीजिए। तो ये भी अच्छा है, कर रहे हैं, चलिए। मौसम खराब हो रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा उमस थी, और अब आप देखेंगे तो ये पूरा काला बादल छाया हुआ है पूरे आसमान में, आप देख सकते हैं चारों तरफ, तो बारिश होने वाली है, बल्कि एक दो बूंदे शुरू भी हो चुके हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।